हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अपनी फैट टू फिट सीरीज की तीसरी वीडियो है ये। दो वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था सारा कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे वीडियोस आएंगी, क्या क्या हम करने वाले हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से सप्लीमेंट हम इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में यूज़ करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को उन मेडिसिन के बारे में बताऊँगा कि मैं कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ करने वाला हूँ और उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है, कितने रुपए की आती हैं। ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अनावर और स्टेना के बारे में। स्टेना, जिसे हम स्टेनाजॉल भी कहते हैं, ये दोनों ड्रग्स आपको इंजेक्ट और ओरल फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं आराम से मार्केट में। काफ़ी सारे भाई लोग हैं जिन्हें यूज करते हैं, बट उन्हें सही से नॉलेज ना होने के कारण उन्हें इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ, मैं किसी को भी ये चीज़ें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये आप लोगों की मर्जी है, आप इसे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। मैं सिर्फ एज ए नॉलेज आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं आज अपनी इस साइकिल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें मैं दो चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, अनावर और स्टेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनावर के बारे में। अनावर एक ऐसा ड्रग्स या फिर ऐसी मेडिसिन, या हम उसे ऐसा स्टेरॉयड बोल सकते हैं, जो कि दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये इंजेक्ट में भी मिल जाता है और ये ओरल फॉर्म में भी मिल जाता है। तो फिलहाल मैं ओरल फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अनावर आज तक का सबसे सेफ स्टेरॉयड है, इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनावर है क्या चीज़। अनावर को हम कटिंग साइकिल में हमेशा यूज़ करते हैं। कटिंग में जब आप अनावर को यूज़ करते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अनावर आपका फैट बर्न करने में हेल्प करता है और आपके मसल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। आपको एक रिब्ड लुक देता है और आपकी बॉडी के जो मसल हैं उनके फाइबर को एकदम से विजिबल कर देता है। तो अनावर एक बहुत ही ज़्यादा सेफ ड्रग्स है। लेकिन हर चीज़ के फायदे होते हैं तो उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अनावर के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। तो अनावर के जो साइड इफेक्ट हैं उनमें सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हेडेक होता है और आपकी बॉडी में एक्ने होने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा जो साइड इफेक्ट है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, तो ये थोड़ी सी कम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे साइड इफेक्ट हैं, इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया अनावर अभी तक का सबसे सेफ ड्रग्स है। तो इसे एक चीज़ और बता देता हूँ, इसे वुमेन भी यूज कर सकती हैं, उन पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है यूज़ करने में। तो अब बात करते हैं कितने रुपए का आता है। तो ये अनावर आपको मार्केट के अंदर 2300-2400 रुपए में 50 टेबलेट की एक डब्बी मिल जाएगी। अगर 50 से ज़्यादा मिल रही है, कहीं आपको 100 की डब्बी मिल रही है, क्योंकि मार्केट में मैंने पता किया है कुछ कुछ नई नई कंपनियाँ हैं जो 100 मेडिसिन की भी टैबलेट देती हैं अनावर की, तो आप लोग उन्हें बिल्कुल ना परचेज करें, क्योंकि अनावर हमेशा जो अच्छी कंपनियां हैं वो आपको 50 टैबलेट में ही मिलेंगी और ये 10 mg की एक टैबलेट होती है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं थोड़ी सी। तो ये है अनावर, इतनी छोटी सी डब्बी आती है, इसके अंदर 10-10 mg की 50 टैबलेट निकलती हैं। तो अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को इसे यूज़ कैसे करना है। तो आप लोग दिन में 20 mg से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद 3-4 दिन बाद 30 mg तक जाएंगे, फिर 3-4 दिन बाद मैक्सिमम 40 mg पर डे तक इसके जाएंगे। उससे ज़्यादा नहीं लेनी है, कहीं ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा खा लेंगे तो जल्दी बॉडी बन जाएगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसे आप लोग 20 mg से 40 mg तक ले सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं हम स्टेना के बारे में, जो है स्टेनाजॉल उसका पूरा नाम है। ये भी 10 mg की डब्बी है, देखिए आप लोग, और इसके अंदर 100 टैबलेट आती है। तो ये आपको मार्केट में 1600-1700 रुपए की मिल जाएगी। वैसे जो मैं यूज कर रहा हूँ ये पैंथर कंपनी की है, एले भी आती है, मेडिटेक भी आती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा मेडिटेक सबसे बेस्ट है, बट उसे मार्केट में ओरिजिनल परचेज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट जो आती है वो मेडिटेक ही आती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। अभी हम बात कर लेते हैं स्टेना के बारे में, स्टेना के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं और आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ,
स्टेनाजोल हो या अनावर हो, ये कोई फैट बर्नर नहीं है, तो आप लोग पर्टिकुलर फैट बर्नर के लिए इन्हें यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्टेना के जो फायदे हैं उनमें सबसे पहला फायदा है, ये आपका फैट को बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है और आपकी बॉडी में हीट जनरेट करती है, जिससे आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती रहती है और फैट बर्न होते रहता है। और जब आप स्टेनाजोल को चलाते हैं साइकिल में, तो जब आप लीन में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे होते हैं, तब आपका मसल लॉस नहीं होता है, मसल लॉस होने से बचाती है और आपके जो मसल हैं उन्हें एकदम हार्ड कर देती है, मतलब बॉडी को एकदम से मस्कुलर कर देती है। लेकिन अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, तो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट इसी के हैं। तो इससे बॉडी में एक्ने तो होते ही हैं, जैसे कि अनावर से भी होते हैं, ऑयली बॉडी रहती है, जॉइंट पेन करते हैं और मूड स्विंग रहती है, मतलब खोपड़ी घूमती रहती है आप लोगों की पूरे दिन। इससे लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और आपको हल्का हल्का फीवर भी आएगा। तो एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अपने सप्लीमेंट स्टैक में आप लोगों को बताया था कि लीवर रिफ्रेश लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी इन्हें यूज़ कर रहा है या आगे चल के कभी भी करेगा, एक अच्छे लीवर सपोर्ट की आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हिमालयन वगैरह का मेडिकल से आता है, उसके भरोसे ना रहें, किसी अच्छी सप्लीमेंट कंपनी का आप लोग लीवर रिफ्रेश यूज करें, क्योंकि स्टेरॉयड बहुत सारे लोग यूज करते हैं लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें सारी मैं पहले ही बता रहा हूँ, लीवर रिफ्रेश, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम लेते रहें और अच्छी अच्छी कंपनियों की, कहीं ऐसा ना करें प्रोटीन वगैरह अच्छी कंपनी का खरीद लिया पर इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर करें। इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी बॉडी में जो साइड इफेक्ट होंगे इन चीज़ों से, उन चीज़ों से आपको हेल्प करेगी। इसकी जो आपकी डोजेज हैं वो भी सेम रहने वाली हैं, आप 20 mg से लेके 40 mg तक जाएंगे स्टेनाजोल की। तो अगर आप अनावर और स्टेनाजोल को एक साथ यूज कर रहे हैं तो दोनों की 20-20 mg से स्टार्ट करेंगे और 40 mg तक मैक्सिमम जाएंगे। तो दिन में 2 टाइम इन्हें यूज करना है, एक आप करेंगे अपने वर्कआउट के बाद में, प्रोटीन के साथ आप इनमें से 2-2 टैबलेट ले सकते हैं 10-10 mg की, और एक टाइम आप, मतलब जैसे आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो इवनिंग में भी सेम, जब आप प्रोटीन पियोगे जब 20-20 mg दोनों में से आप ले सकते हैं। तो स्टेनाजोल की प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दी है और अनावर की भी बता दी है और बता दिया है आपको कैसे यूज़ करना है और इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और इनके क्या क्या इफेक्ट हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ओरिजिनल ही आप लोग परचेज करें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और एक चीज़ पहले भी बोली फिर भी बोलता हूँ, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये चीज़ खरीदो और अपनी बॉडी बनाओ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इस लाइन में, 7-8 साल हो चुके हैं और थोड़ा एडवांस जाना है, मैंने बताया था कंप्लीट भी करने की सोच रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप लोग नॉर्मली फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल फैट बर्नर लेके, सप्लीमेंट लेके और अपनी डाइट फॉलो करके भी कर सकते हैं, आप लोगों को इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने गोल के हिसाब से चीज़ों को परचेज करें और यूज करें। एक चीज़ और, अभी जो अपने वर्कआउट सीरीज आएगी जिसमें मैं आप लोगों को वर्कआउट बताऊंगा, तो ज़रूरी नहीं है जो लोग इन सारे सप्लीमेंट या सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं वो ये वर्कआउट करेंगे, इस वर्कआउट को जिसे फैट लॉस करना है या अपनी बॉडी को लीन करना है वो सारे लोग इस वर्कआउट को भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए आपको इन सारे सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी इस फैट टू फिट सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।